दोस्तों आज हम इस सर्किट को बनाना सीखेंगे। ये एक बहुत ही सिंपल एलईडी बल्ब ड्राइवर सर्किट है। तो चलिए शुरू करते हैं और इस सर्किट को बनाना सीख लेते हैं। दोस्तों इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक 225 के 450 वोल्ट कैपेसिटर और एक 1 ओम रेजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस कैपेसिटर के ये दो पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे दो पीस 1N4007 डायोड। उसके बाद एक डायोड का कैथोड पिन और दूसरा डायोड का एनोड पिन हम एक साथ इस कैपेसिटर के इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक ड्रम इंडक्टर कॉइल। और दोस्तों ये कॉइल बहुत ही आसानी से किसी भी पुराने खराब सीएफएल ट्यूब के सर्किट से आपको मिल जाएगा। उसके बाद इस कॉइल का कोई भी एक पिन हम इस डायोड के कैथोड पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 18K रजिस्टर। उसके बाद इस रजिस्टर को हम इस डायोड के एनोड पिन के साथ और इस कॉइल के दूसरे पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। अब हम लेंगे एक 100UF63 वोल्ट कैपेसिटर। उसके बाद इस कैपेसिटर का पॉजिटिव पिन हम इस पिन के साथ और नेगेटिव पिन हम इस पिन के साथ ऐसे छोटा कर देंगे। तो दोस्तों ये छोटा सा सर्किट तैयार हो चुका है। तो चलिए अब हम इसे चेक करके देखते हैं।